खुद की तो बनके जान चली गई पर बस चार लोगों की जान है बात देखी गए मजार पर कासरा बारह कायों को कायों गुआड़ी भेड़ी होगी भाई बोले तो खत्म मुला मशीन काटता है बल्कि माटी चले जाओ डॉक्टर जवाब दे दियो अब सही कुछ मैं देख लिया सब कोशिश करनी जितनी कर ली तो जो खेड़ा बास को जो सरपंच है वो बार ने देखे है वो एम्बुलेंस बुलाई है उनके जो रिश्तेदार बार ने बोले है वह माने सूचित करे हैं श्याम की हमारे एक किलो नाज भी कुमा बड़ को नहीं सच्ची बताऊंगी मन रहेगा हम जाते जो अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी 40% स्कॉलरशिप के साथ 11वीं 12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन फ्री डाउट क्लासेस फ्री लाइब्रेरी वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट के साथ राम राम जी मैं खुशबू जल को सीकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है मैं पहुंची हूँ खंडेला तहसील के अंदर ही गोकुलपुरा गांव आवा है जो पलसाना रोड के ऊपर पड़ा है बताना चाहूंगी कि भाई मैं बनकर घर पहुंची हूँ कि खुद की तो बनकर जान चली गई पर बस चार लोगों की जान है बात देखी गई मतलब दो चार लोगों का जीवन दान है वो देखी गए ही नाम बनको कजोड़मल मीणा है अभी मेरे साथ में पूरी फैमिली है तो पूरी बात आप जानांगा कि भाई यह चीज़ कहें सोची कि आप एक अंग दान करा परिवार का लोग ही सोची है कुणान मोटिवेट करो कजोड़मल जी का घर वाला हूँ मैं बात करूंगी संतोष जी इनको नाम है हाँ जी राम राम जी राम राम जी थाने कब की पतो लगे हो कठे बजा काम कुम करया करता तो कितना था रहा बच्चा ही की तरीका हूँ परिवार की? तीन लड़की हाँ जी तीन एक तो लड़को है तीन लड़की है 13 साल को है और बैठे है ना जो 2 महीना होगा मैंने काम करता ही 2 महीना हो 7 दिन को काम बच्चे चो मिले मैं बोली भाई जी का गेड़ा बोली मैं आ जाओ घर आने के नहीं मैं पिस्ता ले रही हूँ लोग शाम की 7 बजे बड़े पूछ का 6 बजे तो मांगन फोन आ गो लास्ट को कि मैं पूछ को चाय पानी पी लिया हा बड़े हूँ राम तो जाने कोई बुलोरो गाड़ी आई है दोनों एक्सीडेंट हो रही बाया नहीं किया बायो नाम फिट कर मेरा नंबर जानी छोरा नहीं किया भाई बोल बाली बाज बे आदमी कि बाया तू कौन है कत्तो बुढ़ा जा भाई बोलो मैं 13 साल को ही हूँ ये बोले सर कोई काका बाबा बे कि जना भाई बोलो है जना जेठाने में बात फोन करियो भाई कोई भाई कौन करियो भी तो भी छोरा सुनील का फोन से फोन करियो है जाटा का छोरा मेंबर है ना सुनील जी अच्छा सुनील जी जो बठे ही खत्म होगा बन का फोन फोन आयो फोन आए जने बोलियो थर काका बाबा से बात कराओ जना वो भाई जा रहे हमारे देवर को छोरो मैं जार पर कासरा बारे कायों को कायों गुआड़ी बेली होगी मैं दोनों माँ बेटो अठाऊ गाड़ी कर सीकर से सीकर तानी पूछा माना झलक भी कौन दिखाई पचम बोल बाली आवाज पाई पिलानी नाम फड़ियो बड़े मेरे बला आगा जाए छोरा बोले माँ चाची मल्ले जो मन बुला दिया बठे फिर मैं सुहा गया जिन्हें मैं तो बे बे पढ़िया का ही कुछ मैं तो माथो खून नाका और खून मुंडा और खून काना और खून और यो हाथ पूरे फेंक चरे पांच ली पूछ ली सहसा पी और मैं तो पढ़िया जंग जा आँख खोल देखी मैं आँख पर काच हो कुछ ही कुछ तो जयपुर की बात है ना हाँ जयपुर में मरी हूँ बड़ी तो आंटी जी थे इतनी छाती कर ली कर की भाई की मैं मेरी इच्छा से कोई दबाव को नहीं कोई दबाव नहीं मेरे माड़ा में ही दी अच्छा तो तन की तरीका उन डॉक्टर समझाया क्या डॉक्टर कौन क्यों भाई हुई क्यों भाई बोले तो खत्म मुला मशीन काटता है बल्कि कौन माटी चले जाओ डॉक्टर जवाब दे दियो अब सही कौन हूँ खचे मैं देख लिया सब कोशिश करनी है जितनी कर ली मैं ही बोली नहीं भाया कर दे दान मेरे बस ही करे एक सब तैयार हुआ जो जवाई जो मेरे भाई को पाउनो चो मची बाण जो चो दो देवर को छोरो चो 7 जना दिखे भाई आप कह जना हा मामो चो माल भाई 6 जना हा मान लो 6-7 लोग पूरा मान लो मारे 1 किलो नाज भी कुमा बड़ को नहीं आलो सच्ची बताऊंगी मन रहेगा मैं जाती जो काबरा बहुत परेशानी है मन मेरे से काई भी बिल्कुल सही बोलन लाग रहे हैं कि कोना भूखा की 10 जन तो आएगी सी बरोबर को कौन देचे थाने मेरा उधार दे जो कुल नीचे पांच बिल्कुल सही कहन लाग रहे हैं कि भाई बरोबर को तो नाज भी को नहीं करा बरोबर को कौन दे हैरी आको खानो है कि भाई 1 किलो नाज भी घरा का अंदर कोई कमाने वालो कोने है ए नरे कम जाया करता का तो एक तरीका हूँ गोडा ही बट टूट गई 3 बेटी ही 1 बेटो है 2 बेटे की बड़ी बेटी ही बनके तो छोटी छोटिया क्या की शादी है वह कर दी ही तो भाई मान लो कि काम धंधो करया करता थे नरे कम जाता बस वही करता मैं तो भाइयों कौन सी मोगो बारी मुए इन दोनिया छोड़ के छोड़ के अच्छा दोनों छोड़ भाई और भाई हाँ 12-12 महीना कोई आंतर अपने की उम्र ज्यादा कर दिया ही भाई की उधार का नाम तो अब थे सरकारों के कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई माँ की सहायता करो कुछ भी हो जी करो मत ये खुद मेरे खेबा मतलब वो है मैं उनका मान दाम ही दो मानी तो क्यों भी व्यवस्था करो टावर की
भामासा वगैरह कुछ रुपया वगैरह या कोई अपनी तरफ मदद है बा करके गए की अठ घर तो कौन कर अठ तो थान बता रही बड़ी देर गए 2400 रुपया बड़ी सिक्कर कौन देखी गए 2400 रुपया सुभाष जी मेहरिया सुभाष मेहरिया कतार रुपया देखी गई 2400 रुपया 2400 रुपया की बांदर गए 6 महीना हाँ 6 महीना से किस्त आओगे 5 साल तक बोल कितनी साल 5 साल 2027 तक जना तो 10 किस्त आऊंगी 2400 रुपए की हाँ। देखो मैं अपनी तरफ मदद करी भी कर लिए तो धन्यवाद पर 2400 रुपया 6 महीना में आवी तो देखो ये परिवार में के बच्चे को क्यों कौन बच्चे को मेरे हिसाब तो आप नॉर्मली एकदम कमो कम भी एक इंसान खर्चो करे है तो भी कहा 8-10 हजार रुपया तो महीना का नॉर्मली लाग जाए ही सुबह उठा तो वो चाय भी पीवेगो पानी भी पीवेगो बिजली भी खर्च होगी रोटी भी खावेगो कपड़ा भी पहनेगो काम में कोई भी काम कर सा रुपया लाख सी बच्चा भी स्कूल में जाए तो अन भी पेन पेंसिल नोटबुक बुक अन्य भी चाहिए ही सामान कितनों चाहिए तो 8-10 हजार रुपया तो महीनों ही उन निकला है लोग देखा तो 3 हजार रुपया नीचे को नीचे पे बहे तो 20-30 हजार रुपया पर एक कमो कम भाई कंजूसाई करके भी करे तो 8-7 हजार रुपया तो नॉर्मली लगेगा ही लगेगा तो अभी थे कौन सी क्लास में 12वीं 10वीं में कितना परसेंट आया था 76% रोज स्कूल में जाओ सरकारी में जाओ या प्राइवेट में सरकारी में तो भाई अभी देखो इनका बेटा भी 12वीं क्लास में उम्र कितनी है 15 सरकार चाहे तो यहाँ का गरीब परिवार की मदद करके और 12वीं क्लास में बच्चों है पढ़ाई में भी होशियार है या कोनी बिल्कुल डिफॉल्टिंग है तो पढ़ाई में भी ठीक है तो एक अपनी तरफ या उसका कि कुछ परसेंटेज छूट करे और बच्चों भी पढ़ा है तो कुछ ना कुछ इनकी मदद है वह उसका है सरकारी या बथेरी नौकरी दे बोकर है बहुत सारी नौकरी दे है तो यहाँ का परिवार ने नौकरी देनी चाहिए यहाँ का परिवार की मदद है वह करनी चाहिए ताकि परिवार है वो एक तरीका आगे बढ़े और अपनों दिनचर्या है बचलास का हाँ और अड्या का जो विधायक जी ही प्रधान जी ही सरपंच जी बाहू मिलो ताकि वह अपनी तरफ वो मदद है वह करी भाई आया मन्ना की मना जाते भी मौके बीपीएल में हो तो गेहूं वगैरह मिली के मिले है गेहूं ही मिले खाली काई कौन दे पहले तो चीनी चाणी मिलती अब जो सन्ना कौन मिल रही कोई नहीं गेहूं मिल दिया गेहूं मिल 50 किलो दे जो कजोड़मल जी हां बन का घर वाला का है भाने का बेटा ही भी टाइम पर ये साथ में ही हां एक्सीडेंट हुए भी के बाद में साथ में चला गया हां जी राम 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 जी राम राम तो शुरुआत मन बात बताओ कि बे कठेरिया करता के कुछ काम धंधो करया करता और कहीं बा को एक्सीडेंट हुयो हो बे पिलानी के पास में कोई खेलडा पास गांव है तो कोई सुनील जी ठेकेदार आ और चोली के डने का तो वो दिन के गे आपकी जो मौसा जी आवे बाण के कने आयडा और जोनो के पास में वो खतेपुरा गांव पड़े वह बढ़ियासु 12-12:30 बजे बढ़ियासु रोटी राटी खा के चल रही शाम की 6 बजे तक मैं फ़ोन करिया ही करा कि मैं बड़े पूछ चुकी हूँ उसके बाद में वह ठेकेदार जी वो लेबा गए हैं लेने के बाद में दोनों कट के चल रहे हैं और फिर ये जो खेलडा हुआ है बास के बीच में उनको एक्सीडेंट हो गया तो जो खेलडा बास को जो सरपंच है वो बाद ने देखे ही वो एम्बुलेंस बुलाई है उनके जो रिश्तेदार बार ने बोले हैं भाई माने सूचित करे हैं शाम की 7 बजे के लमसम वो अनमोची और अनपतोला गो ये फिर बठन जो सुनील जी आया वह स्पोर्ट खत्म हो लिया बड़ी मौसा जी ने पहले पिलाने गल लेगा और पिलाने से रेपर कर जोनों के लिए जोनों से सिकर और सिकुशु जयपुर के लिए तो मैंने जयपुर एडमिट करवाया एडमिट करवाने के बाद में बस 26 ना एक्सीडेंट है और 27 में बन गन पूछ गो फिर उनको इलाज चालू रहे हो पहले तो सेकंड आयुष में चालू फिर फर्स्ट आयुष में चालू रहे हो मतलब बहुत ज्यादा सीरियस है हाँ सीरियस हालत तो एक्सीडेंट कोई सामने गाड़ी ही किया कहीं आयो कड़े सिर में चोट आई कठे चोट आई वो सिर में चोट आई सामने तो कोई गाड़ी कौन मिली बन अपाचे मोटरसाइकिल ली लेकिन सामने कोई साधन कौन मिले और दोनों जो सुनील जी वो उन्हें स्पॉट पर खत्म हो लिया फिर उनको फर्स्ट आयुष में उनको इलाज चालू रहे हो नरेंद्र पुरोहित जी हा डॉक्टर चित्रा जी हा राम रतन जी हा उन्होंने बहुत कोशिश करी फिर ये 1 तारीख ने ब्रेनडेड हो गया पूरा तो कोई जांच में क्या मायो कि भाई बीच चीज हो ज्यादा चोट आई तो सिर में ही पूरा हाँ पूरे सिर में है पूरा ब्रेनडेड हो गया आइस भी चलेगी उसके अंदर आइस भी चलेगी डॉक्टर बोले देखो हमने कोशिश करनी वो कर ली पूरी तो गरीब आदमी है ये इनका कुछ फायदा हो जाएगा तो बोलियो ये अंगदान कर दो फिर मैंने मामा जी को कॉल किया मामा जी आ गए हमारी मौसी वहीं रहती लेकिन इसको कुछ पता नहीं चलने दिया बड़े मीटिंग करी मामा जी ने बोल लिया
और मीटिंग होगी। मीटिंग होने बाद में डॉक्टर बोले अब ले जो संतोष जी हैं उनके घराला अने एक बार थिकन बैठो। मौसी ने घंटे पर मन गए मौस जी के पास में बिठाया रखा डेड बॉडी का। फिर मैं बाहर आ गए, मामा जी हैं, मैं दो लोकल आदमी यहाँ के भी थे, तो मौसी ही अन में समझाया, मामा जी में समझाया भाई बात यह है और अंगदान करने से बहुत बड़ा काम होता है। मौसी ने हाँ कर दी और हाँ करने के बाद वो अंगदान कर दी। तो के अंगदान करा हा? एक तारीख ने सुबह बोल दिया तो मीटिंग करी, मौसी ने समझाई, मौसी तैयार होगी, मौसी समझ में आगी भाई ठीक है कर दे रहे। ओके बाद में शाम ने एक तारीख ने शाम सुबह प्रोसेस चालू होगी। बाकी तो दो तो किडनी ही, एक लीवर हो और एक हार्ट, जो तीन चीज तो ये पूरे एसएमएस में उड़े रहेगी जयपुरी और हार्ट हो वो दिल्ली गुड़गांव भेजोग। अच्छा, और हार्ट, हाँ हार्ट। और दो तारीख ने माने डेड बॉडी सुबह 8:30-9 बजे के पूरे सम्मान के साथ में माने दे दी। फिर मैं यहाँ अंतिम संस्कार के लिए उड़े ले आए, उड़े भी आ जा SDM साहब घंटे पर उड़े डटे फिर वह चला गया। जो डॉक्टर बोले हाँ कि भाई गरीब परिवार है तो इसकी कोई मदद भी उसका ही की। हाँ उसका डॉक्टर बोलियो, क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर बोलियो कि देखो सरकार है, सरकार में कुछ नियम आता जाता रहे हैं, तो मैं कोई पैसा की मदद भी उसके या फिर भाई लड़को है तो इन्हें कोई अगर सरकार चाहे तो नौकरी भी दे सके, अति बात है डॉक्टर बोलियो। प्रोसीजर में कागज पान रखे हैं कि प्रोसीजर में लग रहा है सरकार का नियम के अनुसार कि हाँ परिवार की मदद है उसके। देखो मैं पूरी तरह से कोशिश में लाग रहा है कि हमारे जो मौसी है इन्हें पूरी सहायता मिले, जो भी मैं कागज पान है वो मैं तैयार करवा रहा हूँ। हाँ। जैठा खंडेला का भाई विधायक ही प्रधान जी ही महादेव सिंह जी खंडेला ही विधायक जी बनो, मिलनो बातचीत करनो क्योंकि अभी मदद है बाकर्स की अपनी। हाँ एक मीटर में मैं अभी अगर जो मरमोसी का जो यही परिवार वाला जो पास का अन में बोलियो हो अभी 2-4 दिन पहले ये बोलियो बोलियो कि देखो अभी तो विधानसभा चल रहे हैं तो आप एक तारीख बाद मिला तो अभी बस होगी विधायक जी जो एक तारीख बाद मिलियो जाऊ। मैं बता दूं देखो विधायक जी के बारे में तो जोड़िया का महादेव सिंह जी खंडेला ही विधायक जी बनो तो शनिवार दी तो आने बाका घर जाके मिल सको और मन यहाँ विश्वास है क्योंकि बनो मैं मिले रही हूँ बातचीत करे रही हूँ इंटरव्यू भी मिले के आया हा जलको शिखर को पर तो केबरो भाई अपनी तरफ मदद है बा कर्ज की अपनी जनता की वह जनता के लिए बहुत ज्यादा। बस मैं तो विधायक जी यह चाह जो गरीब घर है और इन्हें मैं तो जनता से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं कि एक परिवार की कोई भी सहायता सो कोई भी यानी इनकी सहायता करो, ये कि इतनी दुखी है कि पूछो मत। और जो भी जनता देख रही है बन का जो अकाउंट नंबर ही पेटीएम नंबर ही वह भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, नीचे मेंशन करवा देंगे मैं ताकि आकी मदद है बा कर्ज का। एक मदद ही तरीका को नहीं हुआ कि आने रुपया दे दे, मदद चाहे तो देखो इनका मकान का जो आंगना ही नीचे फर्श है वो बिल्कुल टूट रहे हो फूट रहे हो है तो यो डलवा दे कोई ले भाई, कोई ईंट को कोई कन साधन है तो ईंट गिरवा दे, कोई कन सीमेंट को साधन है तो सीमेंट 10 कट्टा गिरवा दिया और कोई कन यहाँ है कि ले भाई कोई पट्टिया को बाड़ो है कोई 10 कट्टा सीमेंट का दे दिया, कोई अपनी बॉडी है भाई पूरी डोनेट कर दे कि जो बच्चा पढ़ाई करी ही डॉक्टर बनने की तो बिक अंदर बा काम आ सके, कोई अपना अंग डोनेट करी ही तो लोगों की जिंदगी है बा बच सके है। और जो लोग यहाँ सोचे कि भाई अकाउंट वगैरह पर मैं विश्वास नहीं कराया लागे तो अड़िया की मैं मदद करना चाहिए तो सीकर जिला के अंदर ही खंडेला तहसील है और खंडेला तहसील आप जय ही पलसाना की तरफ चला हाँ तो गोकुल का बास है, गोकुल का बास के अंदर ही बाको नाम और कजोड़जी मीणा का नामों बनने जाने ही सब और अठिया की थे पूछोगा गांव में तो भी सब बता देंगे। तो बच्चा की एक बेटो है एक बेटी है दोनों 12वीं हुई तो आकी पढ़ाई में भी मदद है बात है कर सको हो तो वीडियो ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करके मन जरूर बता दियो कि तरीका उन थे मदद करोगा साथ साथ में ही कि कठियाओं थे देख रहे हो कुछ और अच्छी राय है बाबी दिया करो कमेंट सेक्शन में। जय हिंद जय राजस्थान।